स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में खासकर लॉ वाले पेपर में पिछले साल भी 10 नंबर के इंडेक्स आए थे, 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 5-6 इंडेक्स आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से क्विक रिविजन आपको करा दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इंडेक्स का। ये जो इंडेक्स है ज्यादातर लॉ के पेपर में, करंट अफेयर में, इंटरनेशनल वाले पार्ट में आते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बेफिक्र होकर आप इन्हें कर लीजिएगा। सबसे पहले है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स, आप लोग नोट कर लेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, ठीक है। बहुत छोटे से टॉपिक है इंडेक्स को लेकर, इसको मैं आप लोगों को करा देता हूं। और इसमें अगर हम बात करें पूरी तरीके से, तो इसमें भारत की रैंकिंग हम लोग देखेंगे पीस इंडेक्स में, वो है भारत है 135। आप लोगों को ये याद रखना है, कितनी रैंक है भैया, 135 है। और अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पर याद रखना है आप लोगों को, वो है क्या, आइसलैंड। आप देखिएगा, आइस मतलब शांति, यानी शांति कहां होगी, जहां बर्फ होगा, बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। आगे बढ़े भैया, आगे अगर हम बात करें तो भैया एक है पर्यावरण, आप लोग लिख लेंगे पर्यावरण, यानी एनवायरमेंट प्रदर्शन प्रदर्शन सूचकांक, आप लोग नोट कर लेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2000, ये भी 22 का ही है प्यारे साथियों। अगर हम बात करें इसकी, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो भैया भारत की रैंक 180 है और पहले नंबर पर है डेनमार्क। कितना है डेनमार्क, नोट कर लेना प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी याद कर लेना। आगे बढ़े हम, अगर हम बात करें आगे तो वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, आप लोग नोट कर लेना, ये भी 2022 का है, यानी प्रेस को लेकर कितनी स्वतंत्रता किस देश को है। तो इसमें अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो भैया भारत की रैंक नोट कर लेना 150 है इस बार की, 150। और पहले नंबर पे नोट कर लेना, पहले नंबर पर है नॉर्वे, ये आप लोग नोट कर लेना, भारत और पहला बता दे रहा हूं, बस ये ही नोट याद तैयार कर लेना, बाकी बात हम अगले लेक्चर में इसमें देख लेंगे। फिर भैया सीधी सीधी हैप्पीनेस इंडेक्स देख लेंगे एक बार, किसका हैप्पीनेस इंडेक्स देख लेंगे 2022 का, भारत की रैंक क्या है और फिर पहले नंबर पर कौन है। तो भारत की रैंकिंग अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो भैया 136 है, कितनी है प्यारे साथियों, 136, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर है फिनलैंड, फिन मतलब फाइन, फाइन कौन है, जो हैप्पी है, ऐसे करके इसको याद कर लेना, या आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे साथियों। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को, ये टारगेट फॉर आईक्यू की रिवीजन सीरीज, मेरे को बता देना आप लोग, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, एक आप लोग लिख लेना मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप लोग रिपोर्ट कर लेंगे, भारत की रैंक देख लेंगे, ये 2021 का है प्यारे साथियों, और ये भारत की रैंक अगर आप नोट करेंगे तो कितनी है भाई, 132, ये भी नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहले नंबर पर इसमें है स्विट्जरलैंड, आप लोग नोट कर लेंगे, ये भी इंडेक्स है। 5-6 इंडेक्स बता दे रहा हूं और गारंटी से कह रहा हूं, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएगा जीएस के पेपर में, और 2-3 क्वेश्चन आएंगे लॉ वाले पेपर में भी, करंट अफेयर आती है, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। आगे बढ़े, इसके बाद आगे एक और देख लेना बस, क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। तो फटाफट से लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हिंदी मीडियम बौद्धिक संपदा, ये आप लोग लिख लेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसके भारत की बात करेंगे तो 43वें नंबर पर है भारत, और अगर बात करें यूएस, पहले नंबर पर है आपका यूएसए, फटाफट से नोट कर लेंगे। तो ये थे भैया आप लोगों के इंडेक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना और एग्जाम तक फॉलो कर लेना, जीएस आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। जो जो टॉपिक छोटे छोटे डाल रहा हूं आप लोग देखते रहिए और इन्हें नोट कर लेना, रिवीजन में आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करेंगे। थैंक यू।